नमस्कार मित्रों, आप आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम आए हुए हैं गोरखगिरी पर। वहां पर हम आपको प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ दिखलाएंगे सिद्ध बाबा की गुफा और बहुत सारी चीज़ें। यहां पर रेखन तलैया भी है, आप देखना ही एक पर्वत पर कैसे यहाँ पानी रहा करता है। धन्यवाद, आइए हमारे साथ। और ये जो है पर्यटकों के लिए बैठने के लिए जगह बनाई गई है, आप देख सकते हैं। बढ़िया, पूरी तरह से व्यवस्थित टीन सेट से युक्त है, बरसात वगैरह में दिक्कत ना हो, एक ढंग से बनाया गया। और आप देख सकते हैं ये कितने पेड़ लगे हुए हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ से महुआ भी काफ़ी अधिक दिखाई पड़ता है और रात्रि में देखने में तो बड़ा ही सुंदर लगता है। आप देखिए यहाँ से तीरथ सागर भी दिखाई पड़ता है और ताला सैयद की मज़ार भी दिखती है। आप देखेंगे कि इधर प्राकृतिक संपदा से भरपूर यह पर्वत एक महुआ की अमूल्य धरोहर है। छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ केवल अब पहाड़ ही पहाड़ है और जो सरकारी निर्माण है वो आप पीछे छोड़ चुके हैं। देखिए ये महुआ का ही एक हिस्सा दिख रहा है। इधर से ये रास्ता कुछ दूर तक गया है। देखिए ये प्राकृतिक चबूतरा जैसा बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है कितने ऊँचे ऊँचे पत्थर रखे हुए हैं और ये यहाँ गवर्नमेंट ने कूड़ा डालने के लिए व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मानता कौन है, सब इधर उधर पन्नी फेंक देते हैं जिससे काफ़ी कूड़ा भी होता है। लेकिन ये देखिए आप कितना बढ़िया रास्ता जो है साफ एकदम पड़ा हुआ है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर यह पहाड़ आप देखें अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ योगी सरकार के प्रयासों के द्वारा लाइट भी आ चुकी है। ये देखिए हम लोग यहाँ आते आते काफ़ी हद तक थक चुके हैं और अब मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं यहाँ बेकार चला आया। जब हम लोग बचपन में यहाँ आया करते थे तो हम दौड़ करके इस पहाड़ पर चढ़ जाया करते थे और इधर आते आते अभी मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना थक गया हूँ कि कहीं गिर ना पड़ूँ। अब तो ये रास्ता बहुत कुछ बन गया है, पहले इस रास्ते में कुछ नहीं था, बिल्कुल सुनसान जंगल जैसा था और यहाँ पर अब तो काफ़ी हद तक रास्ते बना दिए गए हैं। पहले यहाँ जंगली जानवर भी बहुत हुआ करते थे। इसलिए ये इस गुफा में पहुँचने की आधी रास्ता है, यहाँ से अभी आधा और बचता है। ये देखिए बिल्कुल दो चट्टानें ऐसे रखी हुई हैं जैसे किसी ने उठा कर रखी हैं और इन्हीं के नीचे से जो रास्ता गया है देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ भक्तों के द्वारा खोद करके इसको गहरा कर दिया गया है, नहीं तो पहले हम लोग यहाँ से बैठ करके बहुत आराम से निकला करते थे क्योंकि इन चट्टानों में चढ़ना संभव नहीं रहा करता था और यहाँ से आराम से बैठ के निकल जाते थे। अब देखिए ये रास्ता काफ़ी पत्थरों को तोड़ तोड़ करके सुगम बनाया गया है। ये देखिए ये लड़के भी यहाँ घूमने आए हुए हैं। ये जगह जगह यहाँ घूमने वालों ने ही ओम वगैरह लिख डाला है जिससे ये पहचान बनी रहती है कि हम आए थे तब हमने यहाँ ये लिखा था। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर काफ़ी तोड़ करके अलग किए गए हैं। यहाँ पे अब बड़े आराम से मैं चढ़ पा रहा हूँ, नहीं तो पहले बड़ी मुश्किल से जोर लगा करके चढ़ पाते थे क्योंकि अब ये पत्थर तोड़ करके रास्ता बीच से बना दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। हम आज से करीब 30 से 35 साल पहले यहाँ आया करते थे।
अब जब से कामकाज में व्यस्त हो गए तो अब हम यहाँ नहीं आ पाते हैं और हमको ऐसा लगता रहता है कि हम कब हुआ है। आज हमने सोचा कि हम तो घूम ही जाएंगे, साथ में आप लोगों को भी यहाँ के दर्शन करा देंगे। ये प्राकृतिक नज़ारों और संपत्तियों से संपन्न ऐसी जगह है कि आप एक बार अगर आ जाएंगे तो आपका जाने का मन नहीं होगा। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ आल्हा उदल के गुरु गोरखनाथ ने भी तपस्या की है। भगवान शंकर का वह स्थान बहुत ही अच्छा लगता है। यहीं पर उन्होंने अपने पानी पीने के लिए भी एक तालाब की रचना कर रखी है। आपको हम आगे अभी दिखलाएंगे, आप देखेंगे कि कैसी सुंदर गुफा का निर्माण किया और यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी गुफा हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी पोल वगैरह तो तमाम हैं, लेकिन वैसी गुफा आपको आसपास कहीं नहीं मिलेगी। ये स्थान जो है आल्हा उदल के गुरु गोरखनाथ जी के समय से ही रहा है और गुरु गोरखनाथ यहाँ तपस्या रख रहे हैं। ये पहाड़ अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात रहा है। यहाँ पर एक से एक दुर्लभ जड़ी बूटियाँ मिलती रहेंगी। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो रास्ता गया है, यहाँ से कुछ ही दूर के बाद वो गुफा आ जाएगी। मैं तो यहाँ चलते चलते थक चुका हूँ। ये देखिए हम लोग मंदिर में आ चुके हैं। यही है सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर और गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली। आप लोग भी दर्शन करिए, देखिए कितना सुंदर स्थान है। ये माताएं भी यहाँ पर घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए आई हुई हैं। ये देखिए गुरु गोरखनाथ जी का चित्र बना हुआ है। और आइए चलिए आपको दिखाते हैं हम भगवान शिव की वह प्राचीन गुफा जो सिद्धेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। आप देखिए ये सीता रसोई राम सीता लिखा हुआ है। ये धूना है गुरु गोरखनाथ जी का और वहाँ सामने है मंदिर। आइए आपको दिखाते हैं मंदिर के भीतरी भाग को। ये देखिए ये पत्थरों पर ही बनी हुई गुफा है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये टाइल्स वगैरह भक्तों के द्वारा लगाए गए हैं। ये देखिए कितना आकर्षक यहाँ का दृश्य है। ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई जाए नहीं, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। अभी हम आपको दिखलाएंगे यहाँ की सुंदर गुफा, आप देख करके स्वयं दंग रह जाएंगे। बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। ये गुरु गोरखनाथ जी का चित्र रखा हुआ है बगल में। आप सभी लोग यहाँ तक हमारे साथ रहे, आप सबको हृदय से धन्यवाद। शेष आपको हम अगले भाग में दिखलाएंगे ये गुफा और आगे जो पर्वत।